हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद रखें, अनुभव करें सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक सारा शरीर आपका शांत शांत व शिथिल हो गया। बाहर के संसार में कौन कहां कब क्या कर रहा है, हे जी, उससे तेरा कोई वास्ता नहीं। अनादि की यात्रा में संसार को जानने का बहुत बात पुरुषार्थ किया। संसार को जानने से कुछ हासिल नहीं हुआ। आज देखो तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम अपने को क्या मान रहे थे, तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है। जो जो मिथ्या पहचान तुमने आज तक अपनी बनाकर रखी उसे देखते जा। कभी लगा मैं मनुष्य हूं, कभी लगा मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री, मैं मां, मैं पुत्र हूं, मैं गुरु, मैं शिष्य हूं, मैं जैन हूं। क्या ये तुम्हारी पहचान है, क्या ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, क्या थे जो मां की गर्भ में आए। मां की गर्भ में आने से पूर्व तुम क्या थे, देखो क्या मां की गर्भ में आने से पहले भी तुम मनुष्य थे। कब से मनुष्य हो, कब से पुरुष हो, कब से धनवान हो, तुम विद्वान कब से हो, ये विद्वान, ये धनवान, ये पुरुष, ये कौन है, तुम कौन हो, को हम पूछो अपने आप से, मैं कौन को हम कौन हो तुम। को 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 हम 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 अपने से अपना परिचय प्राप्त करो। क्या तुम नाम, क्या तुम लिंग हो, क्या तुम कोई जाति हो, तुम जैन हो, को हम तुम कौन हो, तुम्हारी यात्रा का प्रारंभ कहां से हुआ होगा, ये मनुष्य का भव कहां तक का है, कब तक तुम मनुष्य
मनुष्य रहोगे? स्त्री पुरुष मां पुत्र आदि, क्या ये तुम्हारी पहचान है? को मैं विद्यार्थी, मैं व्यापारी, मैं गृहस्थी, क्या ये तुम्हारी पहचान है? को हम ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही से आध्यात्म की शुरुआत है। स्वयं को जाने बिना मुक्ति नहीं है। भीतर तक जाकर स्वयं का शोध कीजिए। महावीर अनार्य देश चले गए अपना शोध करते हुए। कोई विद्वान, कोई शास्त्रज्ञ, कोई गुरु तुम्हें तुम्हारा परिचय नहीं करवा सकता। अपने से पूछो, आयुष पूर्ण होने के बाद ये देह जब जलकर राख होगा, फिर मेरा अस्तित्व क्या होगा? क्या मैं वही खत्म हो जाऊंगा? देह के जलने के बाद क्या मैं रहूंगा या खत्म होऊंगा? अनादि की यात्रा में कितनी बार मनुष्य का देह प्राप्त किया, आज पुरुष हो तो कभी स्त्री का देह धारण किया, स्त्री हो तो कभी पुरुष का देह धारण किया, कभी नपुंसक का किया, कभी पशु का किया, कभी स्वर्ग में जाकर देव का देह धारण किया, तो कभी नरक में नारकी का देह धारण किया। वो कौन है जो देह धारण करता है? तुम कौन 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 को हम ये प्रश्न आपका है, इसका समाधान आपको आपके भीतर से मिलेगा। आत्मा, 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 वर्तमान में सात माने मनुष्य का देह धारण किया,
कभी आत्मा को, पशु का देह मिला, कभी देव देह मिला, कभी नारकी का मिला, कभी मनुष्य का मिला। भविष्य में कौन सा मिले नहीं जानते। वर्तमान एक मनुष्य के देह में आप एक शुद्ध आत्मा हो। आत्मा पूर्व में थी, वर्तमान में, भविष्य में होगी, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, जो कभी राख नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जिसका रागी नहीं, जिसका द्वेषी नहीं, जो सुंदर या कुरूप नहीं, जो विद्वान या मूर्ख नहीं, जो छोटा या बड़ा नहीं, आप वह आत्मा है। आत्मा का नाम नहीं, आत्मा का लिंग नहीं, आत्मा की कोई जात पात, कोई संप्रदाय, कोई कुल नहीं। वो आत्मा जो अरहंतों में है, जो सिद्धों में है, वही आप, जो नरक के नारकी में है, जो स्वर्ग के देव में है, वही आप, जो महाविदेह में विचरने वालों में है, भरत के जीवों में है, एरावत के जीवों में है, 15 करमभूमि, 2.5 द्वीप, 56 अंतरद्वीप में विचरने वाले हर जीवात्मा में वही सत्य है जो आप है। आप हम आप, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। उदय कर्म के अधीन सबको भिन्न देह मिल गया, मूल तत्व सबका एक समान। एक आप आत्मा, एक वो परमात्मा, दोनों को सोहम की ध्वनि से जोड़ दे। सो की ध्वनि पर आपका ध्यान, आपके आराध्य, आपके श्रद्धे पड़ जाए, उनकी शुद्धात्मा का मिलान हम की ध्वनि से, स्वयं की शुद्धात्मा से करेंगे। सो हम, 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 सो हम। आत्मा में अनंत शांति है, उसका अनुभव करें। आप आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। आप अपने सत्य को स्वीकारिए। जन्म से आज तक अपने को देह मानने वाले, आज अपने सत्य को स्वीकार। मैं देह नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं मात्र एक आत्मा हूं। आत्मा था, आत्मा ही रहूंगा। मैं आत्म, कण कण से, रोए रोए से, अंतःकरण से
हे जीवात्मन, अपने सत्य को स्वीकार। इसे स्वीकारे बिना, इसे आत्मसात किए बिना मुक्ति नहीं। हर श्वास के साथ अपने भीतर अपना शोध करते चल। जब जब देह के प्रति आसक्तियां मूर्छाएं, अपने को जगाओ, विवेक को जगाओ, मैं आत्मा। इसी सत्य को स्वीकारते एक सामान्य श्वास भीतर ने धीरे धीरे छोड़ दी। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले आ, कोमल सा स्पर्श, जब भी लगे आप अपनी आंखें खोल सकते। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। या शिविर में बैठने से इतना आनंद लगा, मैंने मेरे जीवन में ऐसा आनंद कभी देखा नहीं। मैं मेरे मन से अंतर आत्मा से सोचता हूँ कि मैं सारे शिविर यहाँ अटेंड करूँ। जय जिने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मकिटा मायंसा संयमो तबो देवा वित्तंग, नमंग शांति जा सधम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारे शरण लोक और न शरण दृष्टि दे।